आज हम विद्युत परिपथ जिसको कहते हैं, सर्किट जिसको कहते हैं, थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। आप रात को अंधेरे में जब जाते हैं कहीं गलियों के अंदर, तो टॉर्च लेकर के जाते हैं, ज़रूर आपने उस टॉर्च को खोला ही होगा, तो उसके अंदर में आपको एक सेल दिखाई पड़ा होगा, एक या दो सेल होते हैं उसके अंदर में, एक स्विच होता है और एक टॉर्च का बल्ब होता है। तो जब आप स्विच दबा लेते हैं तो सब आपस में जुड़ जाते हैं और फिर वो बल्ब जलने लगता है। तो आज हम भी एक सेल लेकर के आए हैं और एक टॉर्च का बल्ब लेकर के आए हैं। ये टॉर्च का बल्ब है और इस बल्ब से हमने दो तार निकाल रखे हैं यहाँ पे, और ये सेल है, इसमें से भी दो तार निकाल रखे हैं हमने। आप देख रहे हैं ये लाल रंग का तार है और ये नीले रंग का तार है, लेकिन ये तार है ही नहीं, तार तो इसके अंदर है, ये तो सिर्फ इसका कवर है, ये तो प्लास्टिक है। प्लास्टिक में से बिजली नहीं चलती है, बिजली चलती है तांबे में से, बिजली चलती है एल्यूमिनियम में से, धातु में से। तो इसके अंदर में जो तांबे का तार है उसमें से बिजली चलती है, और वो तांबे का तार जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ पर भी है। ऊपर का कवर जो है प्लास्टिक का, वो सिर्फ लाल और नीला आपको दिख रहा है। तो ये जो टॉर्च है, इस टॉर्च को मैं इस सेल से जोड़ता हूँ, और हमने इसको यहाँ पर ऐसा जोड़ दिया। अभी आपका टॉर्च का बल्ब नहीं जल रहा है, ये बंद है, लेकिन इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये बल्ब यहाँ से ग्लो करेगा और आप उसको देखेंगे। ये देखिए मैं इसको जोड़ रहा हूँ, और अब आप देखिए इस टॉर्च के बल्ब का क्या हुआ। ये टॉर्च का बल्ब अब ग्लो कर रहा है, इसमें से रोशनी निकल रही है। तो क्या हुआ, ये जो सेल था इसको हम लोग 1.5 वोल्ट, 1.5 या 1.5 वोल्ट का ऐसा सेल कहते हैं। आप बाज़ार में जाएंगे तो आप कहेंगे कि हमें 1.5 वोल्ट का सेल चाहिए। तो ये 1.5 वोल्ट जो है, 1.5 वोल्ट, ये बताता है कि कितनी ताकत के साथ हम उस टॉर्च को बिजली दे रहे हैं, और उसमें जो धारा बह रही है वो, ये जो टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं उसको हम, यहाँ से धारा ऐसा चलती हुई, ऐसा चलती हुई, ऐसा चलती हुई, अंदर अंदर तांबे वाले तार से, प्लास्टिक वाले से नहीं, चलती हुई यहाँ आकर के, फिर यहाँ आकर के, और फिर इसके अंदर से चलती हुई इस बल्ब के अंदर से गुजरती है, और जब बल्ब के अंदर से वो धारा गुजरती है तब ये बल्ब ग्लो करता है, जलता है, और फिर से यहाँ आकर के इसमें से होकर, इसमें से होकर के, और फिर वापस जाती है। ये कंप्लीट सर्कल होना चाहिए, ये कंप्लीट साइकिल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए इसको। अगर आप यहाँ से खोल दें इसको और सोचे कि कोई बात नहीं, यहाँ तक तो धारा चली सकती थी, तो यहाँ से चलती 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 यहाँ आकर के रुक जाती है, अपना चलती रहती, यहाँ पे रुकी रहती, बाकी चलती रहती, बल्ब चलता रहता, ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक धारा को वापस बैटरी तक पहुँचने का, सेल तक पहुँचने का रास्ता पूरा नहीं मिलेगा, तब तक कहीं भी धारा नहीं बहेगी, ना यहाँ, ना वहाँ, ना वहाँ, ना वहाँ, वहाँ, ऐसा। तो इस तरीके से हम लोग एक टॉर्च के बल्ब को और एक सेल को लेकर के और अपना एक छोटा सा परिपथ बना सकते हैं। अब हम आपको एक और टॉर्च का बल्ब लेकर के आते हैं। ये देखिए, ये एक और टॉर्च का बल्ब है, वैसा ही जैसा ये बल्ब था वैसा ही। इसमें भी हमने दो तार जोड़ रखे हैं, लाल और नीले रंग के। तो अब हम इन दोनों को लगा देते हैं आपस में, यहाँ जोड़ देते हैं इसको। इस तार को मैंने यहाँ जोड़ दिया और इस तार को मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब देखिए जरा इन दोनों का क्या हालत है। ये दोनों टॉर्च के बल्ब को देखिए ध्यान से, ये जल रहे हैं या बुझे हुए, ये दोनों जल रहे हैं, लेकिन दोनों इतने मध्यम मध्यम जल रहे हैं, इतना मध्यम मध्यम ये दोनों जल रहे हैं। इनको देखिए आप, इन दोनों टॉर्च को के बल्ब को बिल्कुल ज़रा सी रोशनी दिखाई पड़ रही है, तो क्या हो गया, ये दोनों जल तो रहे हैं और जलना चाहिए भी, क्योंकि धारा के लिए पूरा रास्ता हमने बना रखा है, कहीं से बीच में टूटा नहीं है रास्ता। यहाँ से धारा चलेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, इस बल्ब में से गुजरेगी, फिर यहाँ से चलेगी, यहाँ से चलेगी, इस बल्ब में से गुजरेगी, और फिर वो धारा आकर के सेल पे वापस आ जाएगी और अंदर में फिर सेल से चलती हुई फिर से वो कंटिन्यू हो जाएगी।
तो दोनों बल्ब इसलिए जल रहे हैं क्योंकि धारा को चलने का पूरा रास्ता हमने दे रखा है, लेकिन उनकी जो रोशनी है वो बहुत कम हो गई। क्यों? ये जो 1.5 वोल्ट था, ये 1.5 वोल्ट अब इन दोनों को यहाँ पर मिल रहा है, आधा इसको मिल रहा है और आधा इसको मिल रहा है, तो जो ये वोल्टेज है वो बट गया है, वो यहाँ है कुछ और कुछ यहाँ है, और इसलिए कम वोल्टेज है, कम धारा है और कम रोशनी है। तो ऐसा जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम सीरीज में जोड़ना कहते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ना कहते हैं, यानी जो धारा एक बल्ब से गुजरी है उसी धारा को दूसरे बल्ब से भी गुजरना चाहिए, तब उसको हम श्रेणी क्रम या सीरीज में ऐसा कहते हैं। जो वोल्टेजेस हैं वो अलग हो सकते हैं, इसको अलग वोल्टेज मिल सकता है, इसको अलग वोल्टेज मिल सकता है, लेकिन धारा एक ही होनी चाहिए, जितनी जो इसमें से गुजरे उसी को इसमें से भी गुजरना चाहिए, इसको हम सीरीज का कनेक्शन कहते हैं। और एक दूसरी तरह से भी हम ये दो बल्ब जोड़ सकते हैं। देखिए, मैं पहले इसको खोल देता हूँ और उसके बाद मैं पहले एक टॉर्च के बल्ब को जोड़ता हूँ। ये देखिए, हमने एक टॉर्च के बल्ब को जोड़ दिया, पहले जैसे जोड़ा था बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही वैसे ही। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इन्हीं में से हम इस दूसरे टॉर्च के बल्ब को भी इसी सेल के साथ में हम जोड़ते हैं, इसी सेल के साथ में यहाँ जोड़े या यहाँ जोड़े एक ही बात है, हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं। ये तो देखो, हमने इसको यहाँ जोड़ दिया और इसको भी हमने लेकर के और यहाँ जोड़ दिया। तो अब देखो, एक बल्ब यहाँ जुड़ा है और एक बल्ब यहाँ जुड़ा है। इसने 1.5 वोल्ट दिया है और वो 1.5 वोल्ट कहाँ जा रहा है? ये 1.5 वोल्ट यहाँ से चल के यहाँ पहुँच रहा है, और यहाँ पहुँच गया तो इसको भी 1.5 वोल्ट मिल गया, और यहाँ पहुँच गया तो इसको भी 1.5 वोल्ट मिल गया, तो दोनों को एक ही वोल्टेज मिल गए। लेकिन जो धारा इसमें से जा रही है वो धारा इसमें से नहीं जा रही है। यहाँ से चली धारा चली यहाँ पहुँची। अब यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ? ये जो धारा यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गई, अब क्या हुआ? अब इसके दो हिस्से हुए, एक हिस्सा इधर वाले तार में से गया और इस वाले टॉर्च में आया, इस वाले बल्ब में आया, और दूसरा हिस्सा इसमें से गया और तब इस वाले बल्ब में आया, और फिर दोनों आगे बढ़े, ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, और दोनों धाराएं यहाँ आकर मिलकर के तब इसमें सेल में वापस गए। तो ये कैसा कनेक्शन है? जो धारा इसमें से बह रही है वही वाली धारा उसमें से नहीं बह रही है, लेकिन जो वोल्टेज 1.5 वोल्ट इसको मिला है उतना ही वोल्टेज इसको भी मिला है। तो जब ऐसा होता है कि हम एक ही वोल्टेज कई सारे अपने आगे की चीज़ों को देते हैं लेकिन धारा बढ़ती है, तो उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन या समानांतर क्रम में कनेक्शन ऐसा बोलते हैं। तो ये समानांतर क्रम का कनेक्शन है, और पहले जब हमने दोनों को एक साथ एक लाइन में जोड़ा था वो सीरीज में या श्रेणी क्रम का कनेक्शन है। एक चीज़ और आपको हम आज बताएंगे, और वो है हमारे पास में एक बड़ा छोटा सा कुछ पदार्थ है। इसको आप देखो, काला काला सा है ये बीच के अंदर में, असली पदार्थ इसके भी भीतर में है। हम लोग सब ऊपर में कवर रखते हैं, प्लास्टिक का, इसका, सिरेमिक्स का, किसी किसी चीज़ का कवर रखते हैं, असली माल उसके अंदर होता है। तो इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी चीज़ है कि उसकी कुछ अलग किस्म के कारनामे होते हैं, इसको हम लोग डायोड कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड ऐसा इसका नाम होता है। और इसको अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पे एक बहुत पतली सी सिल्वर रंग की सफ़ेद सी एक यहाँ अंत में रिंग दिखाई पड़ेगी पेंट की हुई। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रिंग सी सफ़ेद, ये काला जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ और ये धातु शुरू हो रही है, ये कनेक्शन करने के लिए तार हैं, ये जहाँ शुरू हो रहे हैं वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एकदम ध्यान से ये आपको ये एक सिल्वर के रंग की लाइन, सफ़ेद रंग की लाइन आपको यहाँ पे गोल गोल दिखाई पड़ रही है। ये इससे हम पहचानते हैं कि ये सिरा कुछ और किस्म का है और ये सिरा कुछ और किस्म का है। और ये देखिए, ये हमारा एक टॉर्च का बल्ब इससे जुड़ा हुआ है, हम इसके रास्ते में इस डायोड को जोड़ते हैं। बताइएगा, सीरीज में जोड़ रहे हैं या पैरेलल में जोड़ रहे हैं?
श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में? जो धारा इसमें से बह रही है उसी धारा को इसमें से भी बहना पड़ेगा, इसलिए ये सीरीज में है। और आप यहाँ देखो बल्ब जल रहा है, ये जो बल्ब है ये बल्ब ये जल रहा है, ये इसमें से हल्की रोशनी है लेकिन रोशनी है, यानी इसमें धारा बह रही है, इस परिपथ में धारा बह रही है। और अब जो हम काम करने वाले हैं वो देखिए, हम इस डायोड को पलटने वाले हैं, इस डायोड को हम पलटने वाले हैं, जो सिरा उधर है उसको इधर, जो सिरा इधर है उसको उधर, ऐसा हम करने वाले हैं। और ये हमने इसको खोला और ये डायोड को हमने पलटा और पलट करके अब फिर से जोड़ दिया, ये यहाँ जोड़ दिया और ये यहाँ जोड़ दिया। और अब टॉर्च के बल्ब को आप देखिए, कितनी भी गौर से देखिए आपको इसमें ज़रा सी भी चमक दिखाई नहीं दे रही है, ये धारा बह ही नहीं रही है, ये धारा बिल्कुल बंद हो गई है, पूरे परिपथ में कहीं कोई धारा नहीं बह रही है, जबकि रास्ता है, ये पूरा जोड़ा हुआ है हमने, ये पूरा जोड़ा हुआ है हमने, सिर्फ इसका हमने सिरे इसके बदल दिए थे। फिर से बदलता हूँ, देखिएगा, इसको हमने यहाँ से खोला, इसको हमने यहाँ से पलटा और पलट करके फिर हमने इसको यहाँ से जोड़ा और इसको जोड़ करके और इसको हमने जोड़ दिया, और इसको जोड़ते ही आप देखिए धारा बहनी शुरू हो गई है और ये चमकने लगा है। तो इसमें ये खास बात है, बल्ब में ये खास बात नहीं थी, आपको हम बल्ब भी पलट करके दिखाते हैं। ये देखिए ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, और हम बल्ब को पलटते हैं, जैसे डायोड को पलटा था वैसे ही अब हम बल्ब को पलटते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले खोल देते हैं, इस बल्ब को हमने खोल दिया, ये खोल दिया और ये खोल दिया, और अब इसको हमने पलट दिया, इसको हमने ऐसा पलट दिया, पहले लाल इधर था उसको इधर ले आए और ब्लू इधर था उसको हम इधर ले आए और फिर से हमने जोड़ दिया। अभी भी धारा बह रही है, अभी भी ये बल्ब चमक रहा है, अभी भी ये रोशनी दे रहा है। तो बल्ब में ऐसा कुछ नहीं है, आप इधर से लगाओ उधर से लगाओ एक ही बात है, लाल तार उधर रख दो लाल तार इधर रख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ये जो है डायोड, उसकी बनावट कुछ ऐसी है, उसकी रचना ऐसी है कि एक तरफ से जोड़ेंगे तो कहेगा धारा आ रही है, आने दो हम बहाएंगे अपने में से और पूरे कंप्लीट करेंगे, और अगर इसको पलट दिया दूसरी तरफ से धारा घुसाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं धारा को अपने में से बहने देगा, और एक जगह भी अगर धारा रुकी तो आप जानते हैं पूरे सर्किट के अंदर में धारा रुक जाती है। तो ये हमारे डायोड की प्रॉपर्टी है, ठीक है।